ये चीज़ें अल्लाह ने पहले ही बना दी हैं, तो आज आप कितने इसमें कितनी कानून दुनिया में बनाएं कि इससे ज़्यादा पैदा न किए जाए, आप रोक नहीं सकते। योगी सरकार ने जनसंख्या दिवस के मौके पर जनसंख्या नीति की योजना जारी कर दी, लेकिन इसे लेकर अब सियासत शुरू हो चुकी है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कुरान का हवाला देते हुए कहा है कि दुनिया को रब ने पैदा किया है, पैदाइश अल्लाह का कानून है और कुदरत से टकराना ठीक नहीं। लेकिन जैसे ही शफीकुर रहमान बर्क ने ये विवादित बयान दिया, जनता भी सामने आ गई और किस तरह से उन्हें करारा जवाब दिया, आपको देखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आप सुनिए कि संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने किस तरह से अल्लाह का हवाला देते हुए ये तक कह दिया कि जब बच्चे ही पैदा नहीं करेंगे तो अगर मुल्क के साथ लड़ाई हो गई तो वहाँ कौन जाएगा। भाई देखिए, अब जहाँ तक योगी जी का ताल्लुक है, मोदी जी का ताल्लुक है या मोहन भागवत जी का, इनके तो बच्चे हैं नहीं, शादी है कि नहीं। अब बताओ, जब सारा हिंदुस्तान में जब बच्चे ही पैदा ना करने दोगे तो कल को ज़रूरत पड़ी कहीं हमारे मुकाबला करने किसी मुल्क से, तो हमारे मुल्क में फिर आदमी कहाँ से आवेगा है? अरे इधर भी तो घाटा होने लगेगा, ये ना होगा घाटा है तो इसका घाटा शुरू हो जाएगा। इस कानून के हिसाब से तो जितनी रूहें अल्लाह ने बना दी हैं वो सब रूहें आनी है दुनिया के अंदर, तुम कितनी रोक लगा लो, इस तुम्हारी इस रोक से या विधि जो आप ये क्या कहते हैं, क्या है कमीशन जो है आपने बना है, इसका पर कमीशन की जो तजवीज़ है तो ये आप लागू भी कर दें, लेकिन अल्लाह जिसको पैदा होना है तो पैदा होगा उसके यहाँ बच्चा। ये चीज़ें अल्लाह ने पहले ही बना दी हैं, और तो आज आप कितने इसमें कितनी कानून दुनिया में बनाएं कि इससे ज़्यादा पैदा न किए जाए, आप रोक नहीं सकते। अब आपको दिखाते हैं कि शफीकुर रहमान बर्क के इस बयान पर जनता क्या बोल रही है। मदन कुशवाहा कहते हैं, यही एक दिन कुदरत को बर्बाद कर देते हैं, जंगल काट कर खेत खलिहान बना देते हैं, फिर खेत खलिहान में कंक्रीट की दीवार बना देते हैं, फिर अपने हाथों से उस पर मिसाइल छोड़कर शमशान और कब्रिस्तान बना देते हैं। पैदाइश अल्लाह का कानून है तो बाद में धर्म के नाम पर परिवर्तन क्यों। मनिंदर लिखते हैं, इस महोदय को अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, अल्लाह इनकी समस्याओं को जरूर सुनेंगे। राजेंद्र लिखते हैं, अब तक जीडीपी की चिंता करने वाले पंक्चर पुत्रों की गैंग अब 22 बच्चे पैदा करने को जाय ठहरा रहे हैं, पैदा करके छोड़ दो और मोदी योगी को दोष दो। आशीष कुमार लिखते हैं, पैदाइश अल्लाह का कानून नहीं है, साफ साफ कहो ना कि हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बनाना है। तो ये थी जनता की राय, जो शफीकुर रहमान बर्क को साफ तौर पर जवाब दे रहे हैं कि पहले बच्चे पैदा करो फिर मोदी योगी को दोष दो कि रोजगार नहीं मिल रहा। ऐसे में आप भी इस बयान पर अपनी राय जरूर रखिए। साथ ही जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।